आज की रेसिपी देख के आप लोगों के मुंह में जरूर पानी आ जाएगा और आप तुरंत बनाना चालू कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बच्चों से लेके बड़ों तक को बहुत पसंद आती है रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने वॉइस ओवर इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर ने बोलने के लिए मना बोला है, लेकिन आज का वीडियो बोलना बहुत ज़रूरी था। तो प्लीज़ वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप समझ जाइएगा, अगर मैं जो भी बोल रही हूँ आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो में देख के आप समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं और ये बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, आप चाहे तो छोटे साइज़ के भी आलू ले सकते हैं। इन्हें मैंने धो लिया है और हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के ना इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है चारों आलू में। और देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ, आपको कट करके दिखा रही हूँ कि पूरा कट नहीं करना है, ये ऐसे हाफ में भी बनाते हैं रेसिपी और बीच में से पूरा कट करके भी बनाते हैं। आगे मैं आपको बताते जाऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। तो देखिए, ये देखिए मैंने हाफ कट किया है लेकिन अंदर से चक्कू बहुत ज़्यादा तक अंदर मैंने इसे कट मारा है और ये चारों आलू को मैंने कट कर दिया है। अभी गैस की तरफ चलते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और उस पे 2 स्टैंड रख दिया है ताकि आलू बड़े स्टैंड रखे हैं ताकि इनमें जो हम सेकेंगे ना इन्हें तो ये जल्दी से सिक जाए। बाकी आप जाली रख के भी सेक सकते हैं या अवन है आपके पास तो आप अवन में सेक सकते हैं। अभी मैंने इन्हें ढक के रख दिया है और कम से कम मैं 8 से 10 मिनट इन्हें एक साइड से पकने दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये 8 मिनट बाद मैंने ये ढक्कन हटाया है इनका और देखिए एक साइड से ये थोड़े से पक चुके हैं। तो मैं चारों आलू को पलट रही हूँ और इन्हें, ये मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं ना, इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप छोटे साइज़ के लेंगे तो जाली भी आप ले सकते हैं और उसमें आप रखेंगे तो बहुत जल्दी पक जाएंगे। अवन है तो फिर इतना टाइम तो आपको लगेगा नहीं। अभी मैंने इन्हें 8 मिनट और पकने दिया था, अभी हाथ से मैं बता रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से ऊपर से तो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं इन्हें निकाल लूँगी और अंदर से हम देखेंगे ठंडा होने के बाद कि कितनी अच्छे से सिके हैं या नहीं सिके हैं। तो मैंने चारों आलू निकाल लिए। अभी देखिए इनके ऊपर का कवर एकदम ऐसा हो गया है ना, हमको ये बताता है कि ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी इन्हें रखूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी मैं, एकदम गरम गरम में ही हम नहीं रखेंगे। कढ़ाई को मैंने वैसे ही रहने दिया है क्योंकि आगे हमें वो कढ़ाई वापस चाहिए। अभी मैंने एक कटोरी में प्याज बारीक कटी हुई, बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और ये बारीक कट करके शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और ये डाल रही हूँ थोड़ा सा ओरिगेनो और हरी मिर्ची मैंने कूट के डाली है, आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। और ये मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अब मैंने इसमें ना स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाले हैं मैंने, जो नमक के पानी में मैंने बॉइल किया था और ये डाल दिया है मैंने 1 चम्मच मेयोनीज। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स और स्वीट कॉर्न की जगह पे इसमें डाले जाते हैं सिंग दाने, तो मुझे ज़्यादा सिंग दाने पसंद नहीं है और बेटे को भी पसंद नहीं है, खाने वाले तो हम दोनों ही हैं, तो इसीलिए मैंने ये सिंगदाने नहीं डाल के स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। अभी देखिए आलू ठंडे हो चुके हैं और मैं आपको इन्हें खोल के दिखा रही हूँ तो ये अंदर से भी अच्छे से हो चुके हैं। आप चाहे तो बीच में से पूरी तरह से इन्हें कट करके 2 पार्ट कर सकते हैं और ये जो बीच का अंदर का पार्ट है ना ये आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं। बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं लेकिन मैंने इनका ये अंदर का पार्ट नहीं निकाला है क्योंकि बहुत अच्छे से अंदर से भी पक चुके हैं तो मुझे निकालने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ। बाकी इन्हें अंदर से थोड़ा सा इनका पार्ट निकाल के और फिर इनमें ये स्टफिंग भरी जाती है। अभी मैंने पहले नमक नहीं डाला था स्टफिंग में, अभी मैंने नमक डाला है क्योंकि ये पानी रिलीज कर देता था इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। और एक एक आलू को हम उठाएंगे और उनके अंदर हम, जैसे हम भिंडी या बैंगन या ऐसे भरवा सब्जी बनाते हैं ना सेम वैसे ही इसे मैं भर रही हूँ। और ये पूरा मसाला मैं चारों आलू में अच्छे से भर दूंगी, ऊपर तक ये मसाला भर देना है स्टफिंग इस। तो देखिए मैं चारों में भर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ना बच्चों से लेके बड़ों सबको सबको पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये आलू जो हम बना रहे हैं ना। और अगर आपके पास ओवन है ना तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। सामान भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस चीज़ इसमें डालनी रहती वो आपको लाना पड़ेगा या फिर आप घर में भी बना सकते हैं चीज़। इस ये आलू में मुझे स्टफिंग थोड़ी कम लगी थी तो मैंने और भर दिए और ये मैंने मोजरीला चीज़ ली है, आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। और चीज़ हमको इसमें ज़्यादा डालनी है तो मैंने ये
बारीक किए हुए मोजरेला चीज़ ली है, आप चाहे तो इसकी स्लाइस कट करके डालेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा मतलब ऊपर तक इसको कवर कर देगा ना, तो फिर जब हम इसे वापस बेक करेंगे ना तो ये मतलब चीज़ जैसे मेल्ट होगी वैसे वैसे ये नीचे आएगी ना, तो ये आलू और भी ज़्यादा दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे, खाने में तो सेम टेस्ट रहेगा लेकिन दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने वापस इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने ओरिगेनो डाल दिया है और चिली फ्लेक्स डाल दिया है, आप काली मिर्ची पाउडर, हरा धनिया, जो भी आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हो। और चलिए वापस हम कढ़ाई की तरफ, गैस की तरफ चलते हैं। तो मैंने स्टैंड इसीलिए नहीं निकाले थे इसमें से, और ये वापस हम आलू रख देंगे ताकि जो भी हमने इसमें स्टफिंग भरी है ना वो भी सिक जाए और ये जो चीज़ हमने इसके ऊपर डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसे 5 से 7 मिनट तक मैंने वापस बेक किया है, तो आलू तो बिल्कुल कच्चे नहीं थे लेकिन अगर थोड़ा बहुत कच्चापन आपको लगता है तो वो भी वापस सिक जाएगा, और ये जो हमने स्टफिंग भरी है सब्जियां डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट सिक गई है और ये हमारी चीज़ भी मेल्ट हो गई। मैंने चीज़ थोड़ी कम डाली है इसलिए अंदर ही अंदर रह गई है, ये बाहर नहीं आई है। तो आप अगर चाहे तो स्लाइस रख दीजिए इसके ऊपर या और भी चीज़ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो देखिए लग रही ना एकदम लाजवाब ये रेसिपी, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कल फिर आती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।